नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे राशिफल धाम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुंभ राशिफल के बारे में कि यह दिन कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, किन किन चीज़ों से इनको फायदा होगा और किन चीज़ों से इनको सावधान रहना होगा, इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे और साथ में बताएंगे कि आपका शुभ रंग और शुभ अंक क्या है। दोस्तों, आपको एक उपाय भी बताएंगे जिससे आप अपने दिन को अच्छा और बेहतर बना सके। तो दोस्तों, आगे वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा दें जिससे समय समय पर हमारे नए वीडियो अब तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कैसा रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन। सबसे पहले बात करते हैं कि आज आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। दोस्तों, सभी कार्य को व्यवस्थित रूप से करना और सामान्य बनाकर रखना आपका महत्वपूर्ण गुण है। अपनी ऊर्जा का भरपूर सदुपयोग करें और अपने काम के प्रति एकाग्रचित रहें, आपके लिए आवश्यक लाभदायक स्थितियाँ बनेगी। राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में आपका विशेष योगदान रहेगा तथा आप विशेष मुकाम भी हासिल करेंगे। आर्थिक स्थिति में अप्रत्याशित लाभ होने से प्रसन्नता रहेगी। घर में कुछ रखरखाव और परिवर्तन संबंधी योजना भी बन सकते हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई रुका हुआ काम आपके हक में हो सकता है। रिश्तेदारों के किसी विवाद पूर्ण मामले में आपका सहयोग निर्णायक रहेगा। आपकी बुद्धिमानी व सूझबूझ की चर्चा भी होगी। पारिवारिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने में आपका विशेष योगदान रहेगा। घर की व्यवस्था को अनुशासित बनाकर रखने में आपका कामयाब भी रहेंगे। संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। आज आपका दिन पारिवारिक लोगों की सुख सुविधा तथा देखभाल संबंधी कार्य में व्यस्त होगा, जिससे सभी सदस्य अपने आप को और अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे। आपसी भावनाओं संबंध भी मजबूत होंगे। आपके व्यक्तित्व संबंधी कुछ सकारात्मक बातों में लोगों के सामने आने से आपका सामाजिक मान सम्मान व दायरा बढ़ेगा। बच्चों तथा परिवार के साथ शॉपिंग तथा मनोरंजन में भी कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। चलिए इसके साथ बात कर लेते हैं नेगेटिव की। परिवार के सदस्यों को उनके अपने तरीके से कार्य करने दें, उनका सहयोग करें, इससे उनका आत्मबल बढ़ेगा। क्योंकि कभी कभी आपका गुस्सा व बहुत अधिक अनुशासित होना दूसरों के लिए समस्या उत्पन्न कर देता है, परंतु ध्यान रखें कि आपका गुस्सा और दूसरों से बहुत अधिकतर पूर्ण व्यवहार करना आपको अपने नज़दीकी लोगों से दूर कर सकता है। बच्चों का अपने पढ़ाई व करियर को लेकर तनाव रहेगा। कोई भी हस्ताक्षर करने से पहले दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ लें, आपसे कोई भूल हो सकती है या कोई चीटिंग भी कर सकता है। बेहतर तो यही है कि आज इन गतिविधियों को स्थगित रखें, परंतु ध्यान रखिए कि घर के लोगों पर ज़्यादा हस्तक्षेप न करें। सबको अपनी इच्छानुसार स्वतंत्रता देने की आवश्यकता है, इससे घर का माहौल नहीं खराब होगा तथा बच्चों में आत्मविश्वास भी जागृत होगा। कभी कभी बच्चों से बहुत अधिक उम्मीदें रखना और उन पर रोक करना आपके संबंध बीच दूरियां ला सकते हैं। अपने स्वभाव में लचीलापन बनाकर रखें। युवा वर्ग को टारगेट को हासिल करने के लिए अधिक ध्यान दें। कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग आपका अहित करने की कोशिश करेंगे, इसलिए इन सब की तरफ से चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है। आज बाहरी संपर्क अथवा किसी प्रकार की यात्रा स्थगित ही रखें, क्योंकि कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं व्यवसाय की। जॉब और बिजनेस में डील या लेन देन व करते वक्त बहुत सावधानी रखनी होगी। विश्वासघात होने की आशंका है। ऑर्डर कैंसिल होने के कारण नुकसान हो सकता है। शिक्षा संस्थान बच्चों से संबंधित व्यवसाय में लाभदायक स्थितियां बन रही है। मेहनत करने की जरूरत है। नौकरी लोगों से ऑफिस का काम अधिक होने से घर पर भी समय देना पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में किसी भी गतिविधियों को नज़रअंदाज न करें। किसी कर्मचारी का नकारात्मक रवैया आपको परेशान कर सकता है। बेहतर होगा कि सभी कार्य अपनी उपलब्धि तथा निगरानी में ही करवाएं। दोस्तों, आज कार्य में कोई महत्वपूर्ण अथॉरिटी मिल सकती है, परंतु कार्य बिना व्यवधान के संपन्न नहीं होंगे, इसलिए धैर्य बनाकर रखें। कंपटीशन के माहौल में अधिक मेहनत की जरूरत है। परिवार व्यवस्था के बावजूद कार्य क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अपने कार्य संबंधी नीतियों में जो बदलाव किए हैं उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत अधिक कामयाबी के चाह में गलत रास्ते के चुनाव न करें, इससे आपको मान सम्मान में खास व धब्बा लग सकता है। अपने अधिकतर महत्वपूर्ण काम दोपहर से पहले निपटा लें तो उचित रहेगा। वहीं बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के बीच कुछ समय पर चल रही गलतफहमी दूर होंगे तथा संबंधों में पुनः मधुरता आएगी। पति पत्नी आपसी संबंधों में खटास न आने दें। प्रेम संबंधित जल्दी ही विवाह में परिणत होने की अवसर बनेंगे। पारिवारिक वातावरण मंगलमय रहेगा। प्रेम संबंध भी मर्यादित रहेंगे। पति पत्नी के संबंध मधुर रहेंगे, परंतु विवाहित संबंध से दूरी बनाकर रखें। इनकी वजह से परिवार में तनाव उत्पन्न हो सकता है। पति पत्नी के बीच कुछ मीठी नोकझोंक रहेगी जो आपसी संबंधों को और अधिक सुखनामा बनाएगी।
पारिवारिक जीवन ठीक रहेगा, परंतु किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति के प्रति आकर्षित आपको अपने लक्ष्य में भटका सकता है, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। चलिए इसमें बात की तो स्वास्थ्य की, बदलते मौसम से संबंधी हेल्थ खराब रह सकती है, नकारात्मक विचारों से दूर रहें। दोस्तों एक्सीडेंट या चोट लगने जैसी बन रही है, वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं, बेहतर होगा कि आज स्थगित ही रखें। गलत खान पान की वजह से पेट खराब रह सकता है, अपने बजट को भी कंट्रोल करना आवश्यक है। खांसी जुकाम से इन्फेक्शन हो सकता है, आयुर्वेदिक चीज़ों का अधिक से अधिक सेवन करें। शारीरिक और मानसिक थकान रह सकती है, ज़्यादा तनाव लेने से बचें। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आपके व्यवसाय के बारे में। सुबह उठते ही सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ क्षण देखकर चेहरे पर 3-4 बार फेरे और ईश्वर को नमस्कार करें। इसका कारण है कि हथेली की अग्र भाग में माँ लक्ष्मी, मध्य भाग में माँ सरस्वती व मूल भाग में भगवान विष्णु का स्थान होता है। नित्य यह कर्म करने से जातक का भाग चमक उठेगा। दोस्तों आपकी नसीब खुलने का और एक उपाय, शनिवार सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर ताले को बिना खोले किसी मंदिर या देवस्थान पर रख दें। ताले को रखकर बिना कुछ बोले, बिना पलटे वापसी अपने घर आ जाएं। विश्वास और श्रद्धा रखें, जैसे ही कोई उस ताले को खोलेगा आपकी किस्मत का भी ताला खुल जाएगा। चलिए बात करते हैं आपका भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक क्या है। दोस्तों आपका भाग्यशाली रंग केसरिया है और भाग्यशाली अंक 4 है। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, श्रद्धा मन से जय भोलेनाथ जरूर लिखें। धन्यवाद।